हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं आज बहुत लेट में नहाई हूँ क्योंकि इनको नहलाना तो रोज ही होता है, लेकिन ऐसे ही घर का बहुत सारा काम पेंडिंग निपड़ा हुआ था, इसलिए आओ इधर आओ आओ। मैं इनको पाउडर लगाई उससे इनको तसल्ली नहीं थी। ये देखो, ये चाट भी रही है, ये खुद से पाउडर लगा रही है। और यहाँ नीचे देखिए, सब पाउडर पाउडर छीटी हुई है। कोल्ड हुआ है, ऐसा लग रहा है नाक में क्या क्या है, क्या क्या है। फीवर नहीं जा रहा है और कोल्ड तो है ही, आँख में आंसू भरा हुआ है। और मेरी लड़की तो कसम खा के रखी है कि मुझे वो तंग करेगी ही करेगी। इनको मैं नहलाई, मालिश की। सामान फेंक क्यों रही हो फिर? बोल फेंकी, चम्मच फेंकी फेंकी फेंकी। देखो पैर पे चढ़ रही हो, बहुत मारूंगी तुमको। क्या लड़की है, इडू तुम्हारा। ये मेरा है, इडू तुम्हारा, ये भी मेरा है। हाँ चलो बोल के। आज मुझे कहीं पे जाना था, ऐसा है मेरी एक फ्रेंड है तो उनका आज बर्थडे है, जो मेरे साथ जाने वाली थी वो नहीं जा पा रही है क्योंकि उनके बच्चे का ट्यूशन है, इसलिए नहीं जा पा रही है। तो मैं अकेले कैसे जाऊँ, तो आशी के पापा ने कहा और छुट्टी के दिन वो मुझे ले जाके वहाँ पे छोड़ देंगे पूरे दिन के लिए। तो हम नहीं गए और देखो ना, मैं अभी मास्क भी नहीं की हूँ और ये मेरा नाक पूरा ऐसा हो गया है, ये सब निकल रहा है, छिल गया है पूरा नाक मेरा और बहुत सारा पिंपल भी हो गया है, सड़ गई हूँ मैं। मैं पकड़ूं बॉल, लो अच्छे से खेल। हाँ जाओ खेलो। जा पकड़ो बॉल, जा बॉल पकड़ो। किचन बहुत गंदा हो गया था तो मैं किचन में लगी हुई थी और किचन में पूरा घर साफ कर लो वो उतना नहीं, लेकिन किचन में जितना बवाल होता है ना, मैं क्या ही बोलूं, बहुत तामझाम है किचन में। तो आज मैं अभी तक किचन ही साफ कर रही थी, बहुत काफी दिन हो गया था नहीं साफ की थी। नहाने में हो गया लेट और ये भी था कि कोल्ड हुआ है तो थोड़ा बाल उल धुलना है, तो थोड़ा धूप निकली फिर नहाती हूँ। अरे अरे अरे, ये लड़की मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती है। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ बिटिया रानी को सुलाने और उनका तो मन है घूमने जाने का, तो वो इधर उधर घूम रही है, लेकिन मेरा मन कह रहा है मैं थोड़ी देर सुला दूँ क्योंकि मेरा मूड नहीं है मैं घूमने जाऊँ। अगर रोएंगी तो जाना पड़ेगा, नहीं रोएंगी तो फिर। मैं साफ सफाई करके थक गई हूँ, जो कि मेरी बिटिया रानी अब सफाई कर रही है। रख के आओ, जाओ रख के आओ। हाँ रख के आओ। कहाँ जा रही हो? दुकान।
धीरे धीरे चलना। हम लोग जा रहे हैं दुकान। कहाँ जा रहे बेटा? हवा। धूप लग रहा है तेज से, मतलब बहुत ज्यादा धूप है तो लग रहा है, तो बोल रही है अरे बाप रे हवा, अरे बाप रे हवा। उसको धूप नहीं बोल रही है तो बोल रही है अरे बाप रे हवा। क्या लग रहा है बेटा? हवा हवा लग रहा है। बज रहे हैं 3:30 और इतना तेज धूप है ना, एकदम सर पे ही है भगवान, बहुत तेज धूप है। मंदिर पे ये सारे झंडे लगे हुए हैं, इसको देख के, ये झंडा वो झंडा वो झंडा, बहुत सारा झंडा। और हम लोग लेके आ रहे हैं सामान दुकान से। बेटा क्या लेके चल रहे हो? झंडा। झंडा ये क्या है? ये हाथ में ये क्या है? ये चौकेट है। चौकेट है, चौकेट अपना जो है वो पहचान में आ रहा है, बाकी कोई जरूरत नहीं। कहाँ? मंदिर जाना है। ए बेटा नहीं, आओ चलो पहले घर चले, शाम को आएंगे मंदिर, ठीक है? शाम को हम लोग मंदिर आएंगे, इनको मंदिर जाना है। तो अभी अभी मंदिर पे जाके क्या करेंगे, तो हम लोग आएंगे शाम को आरती के टाइम पे मंदिर, है ना बेटा? अभी फिलहाल घर चलते हैं। तो गाइज अभी बज रहे हैं 7:45 और इनके पापा का कॉल आ गया, वो आ रहे हैं और मैं बना रही हूँ पराठा। तो मैं बोली हूँ उनसे दही लाने के लिए, क्योंकि हम लोग खाएंगे पराठा और दही। और मेरी बिटिया रानी सोने के लिए है परेशान, इधर भूत बन गई है। हाँ बेटा, बस मैं सोच रही हूँ दो पराठा और बचाए और जल्दी जल्दी हो जाए, ताकि इनको मैं खाना खिला के सुला दूँ। हाँ क्या हुआ बोलो? मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, इधर देखो हीट रखा हुआ है। हाँ बेटा, बेटा का खाना तैयार हो गया है, बस मेरा दो रोटी कम से कम जल्दी कम से कम बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी हो जाए फिर मैं इनको खिला दूँ। मेरी आँख नहीं खुल रही है। हाँ बीटू बोलो बाय गाइस। बाय गाइस, हम जा रहे खाना खाने, हम जा रहे खाना खाने। गुड नाइट। तो गाइज बाय बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आगे बाय, गुड नाइट।